नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। यहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक की सभी बड़ी खबरें बताई जाती है। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को जरूर दबा लें ताकि आने वाले वीडियो की आपको सूचना मिलती रहे। आज की पहली ताजा बड़ी खबर आ रही है। आज महाराष्ट्र में गरजेंगे मोदी और राहुल, हरियाणा में बीजेपी जारी करेगी घोषणा पत्र। महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर दोनों पार्टियां कमर कस चुकी है। दोनों पार्टियों के दिग्गज नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी महाराष्ट्र में रैलियों को संबोधित करेंगे और इस दौरान एक दूसरे पर निशाना साधते नजर आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को महाराष्ट्र में दो रैलियों को संबोधित करेंगे। मोदी ने एक ट्वीट में बताया कि वह जलगांव और सकोली में रैलियों को संबोधित करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी महाराष्ट्र में 21 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए रविवार को तीन रैलियों को संबोधित कर पार्टी के प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। पार्टी के एक पदाधिकारी ने जानकारी शुक्रवार को दी थी। अगली ताजा बड़ी खबर आ रही है। बम्बई में ड्रीमलैंड सिनेमा के पास इमारत में लगी आग, फंसे हुए लोगों का रेस्क्यू। शहर के चरनी रोड इलाके में ड्रीमलैंड सिनेमा के पास एक आवासीय इमारत में रविवार को सुबह आग लग गई है। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई और बताया जा रहा है कि इमारत में फंसे हुए सभी लोगों को बचा लिया गया है। अगली ताजा बड़ी खबर आ रही उत्तर प्रदेश से। 24 घंटे में 5 हत्याओं से दहला अमरोहा, अब तक पुलिस के हाथ खाली। अमरोहा में एक के बाद एक हुई हत्याओं ने प्रदेश की सरकार समेत पुलिस प्रशासन को सवालों के घेरे में ला दिया है। बेखौफ अपराधी लगातार वारदात को अंजाम दे रहे हैं जिससे कानून व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए एनकाउंटर मिशन चला रखा हो, लेकिन अमरोहा में हुई वारदात के कानून व्यवस्था की पोल खोल दी है। अमरोहा में बीते 24 घंटे में 5 लोगों की हत्या कर दी गई है। 24 घंटे में 2 छात्र, 1 महिला, 2 किसान को मौत के घाट उतार दिया गया। अमरोहा जिला की अलग अलग थाना क्षेत्रों में अलग अलग स्थानों पर हुई 5 हत्याओं से दहशत का माहौल बना हुआ है। अगली ताजा बड़ी खबर है। भारत से लौटने के बाद चीन के राष्ट्रपति चिनमिंग ने कहा कि किसी भी हालात में संबंध नहीं होने देंगे खराब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के 2 दिन तक चेन्नई स्थित महाबलीपुर में अनौपचारिक बैठक की थी। 2 दिन के भारत दौरे से लौटने के बाद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि भारत और चीन के संबंधों को किसी भी स्थिति में कमजोर नहीं होने दिया जाएगा। अगली ताजा बड़ी खबर आ रही है। जियो ग्राहकों के लिए खुशखबरी लेकर आए। दूसरे नेटवर्क पर कॉल करने के लिए मिलेगा 30 मिनट का फ्री टॉक टाइम। रिलायंस जियो अपने ग्राहकों के लिए खुशखबरी लेकर आए। कंपनी ने ग्राहकों को 30 मिनट का फ्री टॉक टाइम देना शुरू कर दिया। मिली जानकारी के मुताबिक पहली बार अपने फोन रिचार्ज कराने पर ग्राहकों को 30 मिनट का फ्री टॉक टाइम मिलेगा। ये वन टाइम ऑफर प्लान की घोषणा के बाद से पहले 7 दिनों के लिए उपलब्ध होगा। अगली ताजा बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान से इमरान खान को सत्ता से बाहर होने का सतारा है डर, बोले बातचीत का रास्ता खोजो। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद पाकिस्तान भले ही दुनिया भर के देशों से मदद मांगी हो, लेकिन हर जगह से उसे नाकामी याद लगी है। पाकिस्तान की हालत के लिए उनके मुल्क के लोग प्रधानमंत्री इमरान खान को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। पाकिस्तान में इमरान खान सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद होने लगी है। हाल ही में खबर आई है कि पाकिस्तान के जमीयत उमेला ए इस्लाम मौलाना रहमान ने इमरान खान को सत्ता से हटाने के लिए इस्लामाबाद तक आजादी मोर्चा निकालने की तैयारियां कर ली है। इमरान खान इस मोर्चे को लेकर बहुत डरे हुए हैं। उन्होंने अपने सहयोगियों से बातचीत का रास्ता खोजने को कहा है। अगली ताजा बड़ी खबर आ रही है। आजम खान का छलका दर्द, बोले मैं जिंदा हूं अभी तक क्योंकि मुजरिमों। जनसभा को संबोधित करते हुए आजम खान भावुक हो गए। वे अपनी पत्नी तजीन फातिमा के लिए एक चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उत्तर प्रदेश के रामपुर के सांसद आजम खान शनिवार देर शाम अपनी पत्नी के लिए एक जनसभा को संबोधित करते हुए भावुक हो गए। आजम खान की पत्नी डॉक्टर तजीन फातिमा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी है। चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए आजम खान का दर्द छलक उठा। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट का चुनाव जीतने के बाद सुर्खियों के कितने पहाड़ मेरे ऊपर टूट गए। अगली ताजा बड़ी खबर आ रही है। एयर इंडिया ने एक ही परिवार के 3 यात्रियों को विमान से उतारा, बताई बड़ी वजह। एयर इंडिया के एक अधिकारी ने कहा कि इंजन समस्या को ठीक करने की कोशिश कर रहे थे। इसी बीच एक परिवार के 3 सदस्यों ने चालक दल की महिला सदस्य के साथ दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया।